नमस्कार, हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों को कुछ पौधा का नेम बताऊंगी। वो पौधा आप लोग अभी मत खरीदिए। अभी जो समय आ रहा है नवंबर, दिसंबर, जनवरी, नवंबर चल रहा है, नवंबर से जनवरी तक ये 3 महीना में आप लोग ये सब पौधा को ना परचेस करिए, ना ही रिपोर्टिंग करिए, ना ही फर्टिलाइजरिंग करिए, ना ही काटिंग पूनिंग करिए। तो ये ऐसे ही 10 पौधा का नेम मैं बताऊंगी जो सब पौधा अभी डोरमेंसी में जा रहा है। तो ये सब पौधा को अभी अवॉइड करना है। नर्सरी से मत लाइए। अगर आपके पास पहले से ही है तो आप उसको जैसा है वैसे ही छोड़ दीजिए। रिपोर्टिंग मत करिए, काटिंग पूनिंग मत करिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। 1 नंबर में एलामंडा। एलामंडा का कोई भी वैरायटी लीजिए, किसी में अभी फूल नहीं मिलेगा। फूल आपको फेब्रुअरी मास से स्टार्ट करके अगस्त तक मिलेगा। तो अभी ये पौधा खरीदना ही बेकार है। अभी ना ही इसको खरीदिए, ना ही आप इसको रिपोर्टिंग करिए, ना ही काटिंग करिए, पूनिंग करिए। अभी जैसा है वैसा ही छोड़ दीजिए। 2 नंबर में ये मोगरा का प्लांट, इसको भी अभी मत परचेस करिए, क्योंकि ये पौधा अभी फूल नहीं देगा। इसमें अभी बहुत ज़्यादा कीड़ा लगेगा, अभी ये अच्छा नहीं रहेगा। अगर आपके पास पुराना पौधा है तो इस पर थोड़ा सा काटिंग कर सकते हैं। देखिए, मैं काटिंग कर दी थी, बहुत बड़ा हो गया था पौधा। अभी काटिंग कर देने से ये घना हो गया है, तो इसको भी आप लोग अभी मत खरीदिए। 3 नंबर में गंधराज का पौधा, ये पौधा भी अभी आप लोग मत खरीदिए। इसका पत्ते गिर जाएगा, पौधा पूरा खाली हो जाएगा। इसमें अगर कलिया बनेगा भी तो फूल नहीं खिलेगा। इससे अच्छा है कि इसको फेब्रुअरी मार्च महीना में खरीदिए। 4 नंबर में ये एक जोड़ा का प्लांट, इसको भी अभी मत खरीदिए। अभी इसमें फूल आ रहा है, लेकिन अब जब ठंडा बढ़ जाएगा, वो ज़्यादा ठंड से ये पौधा पत्ता गिराने लगेगा। एक पौधा पर मेरा देखिए पत्ता गिर रहा है। ये छोटा वाला वैरायटी था, आप लोग इसको पहले देखे भी होंगे। 5 नंबर में ये सदाबहार, ये भिंका, ये पौधा तो गर्मी के समय बहुत हेल्दी रहता है, लेकिन अभी इसका हाल देखिए एकदम ख़राब हो जाता है। तो ये पौधा अगर आप लोगों के पास है तो इसको थोड़ा सा शेडी एरिया पर रख दीजिए। इसका ऊपर ओस ना गिरे, ठंड ज़्यादा ना लगे। अगर दिन में एक बार धूप में रख पाते तो बहुत अच्छा होता। तो ये पौधा को भी आप लोग अभी परचेस मत करिए। 6 नंबर में चंपा का प्लांट, ये पौधा को आप लोग अभी मत खरीदिए। चंपा मतलब कोई भी चंपा का वैरायटी, स्वर्ण चंपा, नाग चंपा, ये चंपा कोई भी वैरायटी अभी आप लोग मत खरीदिए। अभी इसमें थोड़ा थोड़ा फूल आ रहा है, लेकिन सर्दियाँ बढ़ने से ये पौधा का जो पत्ते हैं पूरा मुड़ जाएगा, पूरा गिर जाएगा, तो ये पौधा हेल्दी नहीं रहेगा। 7 नंबर में ये मुसंडा का प्लांट, ये पौधा अभी पूरा पत्ते गिरा देता है, पूरा एकदम बिना पत्ते वाला प्लांट हो जाता है। इसका हालत ठंडा के समय बहुत ख़राब हो जाता है। तो ये पौधा को भी आप लोग अभी परचेस मत करिए। अगर आप लोग उनके पास है तो इसको थोड़ा सा संभाल के रखना पड़ेगा, ठंड से ये पौधा बहुत ख़राब हो जाता है। 8 नंबर में ये बेगम बहार, ये पौधा 1-2 करके फूल तो दे रहा है, लेकिन इसका ऊपर जो शाइनिंग था वो अभी नहीं है। पौधा को अभी देखने से अच्छा हेल्दी नहीं लग रहा है, इसलिए मैं बोल रही हूँ ये पौधा अभी आप लोग परचेस मत करिए। फेब्रुअरी मार्च में ये पौधा खरीदिए। अगर आप लोग खरीद लिए हैं तो अभी इसको रिपोर्टिंग भी मत करिए। 9 नंबर में ये अपराजिता का प्लांट, इस पर देखिए फूल तो आ रहा है, छोटा सा पौधा में डेली 3-4 करके फूल आ रहा है, लेकिन ये पौधा अभी और हेल्दी नहीं रहेगा। देखिए, इस पर पीला पत्ता होना स्टार्ट हो गया है। ये पौधा को भी आप लोग अभी परचेस मत करिए। अगर आपके पास है तो जैसा है वैसे ही छोड़ दीजिए। इसको बचाना ठंडा के समय थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है।
10 नंबर में ये चांदनी का प्लांट, ये तो हेवी फ्लावरिंग प्लांट है, परमानेंट प्लांट है, बहुत इजी लो मेंटेनेंस प्लांट है, लेकिन मैं अभी आप लोगों को ये पौधा खरीदने मना कर रही हूँ। अगर आप लोग के पास है तो कोई बात नहीं, लेकिन अभी नया पौधा अभी मत खरीदिए, खरीदिएगा फेब्रुआरी के बाद। तो फ्रेंड्स, ये 10 पौधा का नेम मैं आज बताई, अगर मैं और बताऊंगी तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। ये सब छोड़ के भी और बहुत सारा पौधा है जो अभी नहीं खरीदना चाहिए। मोटा मोटी आप लोग ये जान लीजिए कि समर फ्लावरिंग प्लांट को अभी नहीं खरीदना है, अभी विंटर फ्लावरिंग को ही खरीदना है। तो आज इतना दूर तक ही। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है थोड़ा लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलती हूँ एक नया टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय।